गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और एंशियंट हिस्ट्री में भी हमारा क्या चल रहा है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है। और जिसमें हम क्या देख रहे हैं, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की विभिन्न विशेषताएं देख रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने क्या था, आपके नगरों से संबंधित है, भवन निर्माण से संबंधित जो विशेषताएं थी वो हमने पिछली बार देख ली थी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, आज आपकी सफाई व्यवस्था देखेंगे। और उसके बाद क्या देखेंगे, आपकी जो सिंधु कालीन समाज की सामाजिक दशा कैसी थी। ठीक है, और जब सामाजिक दशाओं को देखने के बाद हम क्या देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक दशाएं कैसी थी। ठीक है, इन सब चीजों को देखते हैं। तो चलिए ज्यादा समय खराब ना करते हैं, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे लास्ट टाइम हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, आपका सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन पढ़ चुके हैं, है ना, जल निकास पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, हम भवन निर्माण पढ़ चुके हैं, कुएं आदि पढ़ चुके हैं। अब जो अगला आता है वो क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में सफाई की व्यवस्था किस प्रकार की थी वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आजकल क्या आपको पता है कि सफाई का क्या आपका बहुत ज्यादा महत्व होता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, वहां हमें बहुत ज्यादा सफाई देखने को मिलती है ना। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी क्या आपका स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। तो इस प्रकार का अभियान क्या आपका सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वहां के लोग क्या थे, आपके बहुत ज्यादा सफाई प्रिय थे। और ये सब कहा, वहां के उत्खननों से पता लगता है। तो देखिए, जो सफाई के लिए क्या क्या व्यवस्था थी वहां आपकी। ठीक है, तो देखिए क्या था, आपका सड़कों के किनारे जगह जगह कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए मिट्टी के पात्र रखे जाते थे। ठीक है, अब जैसा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े नगर होते हैं, या जो नगर पंचायत होती है, जो नगर पालिकाएं होती है, तो वहां क्या होता है, आपका जो भी कूड़ा करकट होता है उनको डालने के लिए क्या होता है, आपके सड़कों के किनारे कूड़ादान रखा होता है। तो इसी प्रकार की कुछ व्यवस्था कहां थी, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती है। वहां भी क्या था, आपकी जितनी भी सड़कें थी या मुख्य सड़कें थी, उनके किनारे क्या थे, हमें कूड़ेदान देखने को मिलते हैं। और ये कूड़ादान किस चीज के बने होते थे, आपके मिट्टी के बने गए होते थे। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हमें कूड़ादान या डस्टबिन जैसी कुछ चीजें देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल, देखने को मिलती है। जो आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, आपसे किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, हमें डस्टबिन देखने को मिलती है, सड़कों के किनारे रखे कूड़ेदान देखने को मिलते हैं। हाँ देखने को मिलते हैं, और ये किस चीज के बने होते थे, आपके मिट्टी के बने होते थे। इसके साथ साथ क्या है, आपका जो कूड़ेदान के साथ साथ क्या है, आपका बहुत जगह कूड़ा एकत्रित करने के लिए क्या होते थे, आपके कच्चे गड्ढे बने होते थे। क्या होते थे, आपके कच्चे गड्ढे बने होते थे, और इन कच्चे गड्ढों में क्या होता था, आपका कूड़ा डाला जाता था। तो ये दो मुख्य क्या थे आपकी, ये दो मुख्य विशेषताएं थी, ये जो दो मुख्य काम थे, जो वहां आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किए जाते थे। एक तो क्या था, कूड़ेदान होते थे, दूसरा क्या होता था कि कूड़े को डालने के लिए आपका कच्चे गड्ढे कर दिए जाते थे। ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित है, आपके सफाई व्यवस्था से संबंधित। आप देखते हैं, हम जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपकी सामाजिक दशा थी वो कैसे थी, है ना। जब भी कोई समाज होता है तो वहां समाज का क्या होता है, कुछ उसका क्या होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब किस प्रकार के भवनों में वो रहता है, किस प्रकार के वहां नगर नियोजन है ना, ये सारी चीजें। पहली चीज तो क्या आती है, आपकी नगर नियोजन से संबंधित आती है। दूसरी चीज है क्या आती है, आपकी सामाजिक दशा, अर्थात वो चीज वहां के लोग क्या क्या खाते हैं, किस चीज की पूजा करते हैं, किस प्रकार से उनके धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्या क्या, ये सारे किस में आते हैं, आपके सामाजिक दशा के अंतर्गत आते हैं। और तीसरी चीज क्या आती है, किसी भी चीज की अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो क्या आती है, वहां की आर्थिक दशा आती है। आर्थिक दशा के अंतर्गत क्या आता है, आपका वहां का व्यापार आता है ना, और क्या आता है, आपके कृषि कार्य आते हैं। ठीक है, और क्या था, एक और चीज क्या रहा था, आपका वहां का शासन करने वाला तंत्र आता है, यानी कुलीन वर्ग भी आता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या क्या होता है। अब जो हमारी दूसरी चीज आती है वो क्या, हमारे पास सामाजिक दशा। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक दशा कैसी थी। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थे वहां जो परिवार थी, वहां जो सबसे छोटी इकाई थी समाज की, वो क्या था, आपका परिवार था। ठीक है, क्या कहा, वर्तमान समय में क्या आपकी सबसे छोटी इकाई परिवार की है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां के समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, आपकी परिवार थी। और ये जो परिवार होते थे कैसे थे, आपके अलग अलग निवास करते थे, अर्थात कैसे परिवार देखने को मिलते हैं, हमें एकल परिवार देखने को मिलते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलते हमें सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और हाँ, जहां तक मेरे को याद है, मैंने ये किसी एग्जाम में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एकल परिवार देखने को मिलते हैं। वहां जो प्रश्न आया था इस तरीके से आया था कि आपका निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। तो वहां एक ऑप्शन था आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकल परिवार देखने को मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, आपकी मात्र
सत्तात्मक थी, सिंधु घाटी सभ्यता में पुजारी वर्ग का दबदबा था, इस तरीके से। तो क्या था आपका यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन गलत था, ठीक है। तो वो अभी देखेंगे हम आगे, लेकिन जो भी आपको यहाँ पे याद रखने की, आपकी परिवार जो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, वो थी आपकी परिवार थी, और जो परिवार थे वो कैसे होते थे, आपके एकल परिवार होते थे, वहां संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते थे, ठीक है। और अगली चीज क्या है जो आपका, और समाज में क्या थी आपकी, सुख समृद्धि थी, ठीक है, क्योंकि आपको सब मगर नगर देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े ये साफ सफाई व्यवस्था देखने को मिल रही है, नाले देखने को मिल रहे, तो इसका अर्थात क्या था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां क्या था आपकी सुख समृद्धि व्याप्त थी। अब जो अगली चीज आती है, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो कैसा था आपका, मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। अर्थात जो यहाँ क्या होते थे आपकी माता, माता के नाम पे ही सब भूमि संपत्ति होती थी, या जो आपकी क्या थी आपकी भविष्य में अगली पीढ़ी आती थी तो जो लड़की होती थी घर की उसको ही आपका क्या मिलता था, आपका जमीन वगैरह मिलती थी। तो परिवार यानी जो घर की मुखिया होती थी वो कौन थी, आपकी माता होती थी, है ना। तो इसलिए जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार था वो कैसा था, हमारा मातृ सत्तात्मक परिवार था, ठीक है। अब देखो जो मोहन जोदड़ो में उत्खनन से हमें क्या है, विभिन्न वर्गों की अस्तित्व का भी पता चलता है। जैसे अभी क्या आपके, आपने सुना होगा ना, वर्ग वर्ग सिद्धांत की उत्पत्ति क्या हुई थी आपकी, जब वैदिक काल आया है ना, चतुर्वर्ण समास सुना होगा आपने, और वेदों में भी सबसे पहले चार वर्णों का वर्णन कहाँ मिलता है आपके, दसवें मंडल में मिलता है ना, जो आपका ऋग्वेद का दसवां मंडल है उसमें ही क्या मिलता है आपको, सबसे पहले चार वर्णों का वर्णन मिलता है। तो इसी प्रकार से जो क्या था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां भी हमें क्या है, कुछ वर्णों के होने का आवास मिलता है, इस प्रकार का चतुर्वर्ण नहीं था बल्कि कार्य के आधार पर क्या थे वहां वर्ण बटे हुए थे, ठीक है। जो आपका जो क्या आपका वैदिक काल से जो वर्ण चले आ रहे हैं वो कैसे है आपका, जन्म के आधार पर, लेकिन जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो वर्ग देखने को मिलते हैं वो जन्म के आधार पर ना होकर क्या थे आपके, कार्य के आधार पर देखने को मिलता है। अब कैसे पता लगता है, देखिए मोहन जोदड़ो के उत्खनन से विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का पता चलता है, ठीक है। अब जो मोहन जोदड़ो के आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जब वहां का उत्खनन हुआ तो वहां से कुछ ऐसी चीजें मिली, विभिन्न चीजें मिली, जिससे क्या पता लगता है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है वहां भी क्या थे आपके वर्ग विद्यमान थे, और ये वर्ग किस आधार पर थे, कर्म के आधार पर, या जो उनके व्यवसाय के आधार पर थे, ना कि जन्म के आधार पर, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से वर्ग देखने को मिलते हैं, चार वर्ग देखने को मिलते हैं मुख्यतः। पहला क्या था आपका, विद्वान वर्ग था, दूसरा क्या था आपका, योद्धा वर्ग था, तीसरा था आपका व्यवसायी वर्ग, और चौथा था आपका श्रमजीवी वर्ग, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ ये जो वर्ग देखने को मिलते हैं जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके कर्म या कार्य के आधार पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो पहला वर्ग आता है विद्वान वर्ग, तो इस विद्वान वर्ग में कौन कौन लोग शामिल थे आपके, पुजारी होते हैं जो, ठीक है, जो वैद्य थे, कौन थे जो आपके ज्योतिषी थे, और जादूगर थे। तो ये चारों के चारों सिंधु घाटी सभ्यता में किस वर्ग में शामिल थे आपके, विद्वान वर्ग में शामिल थे। अब जो दूसरा वर्ग मिलता है वो कौन सा मिलता है आपका, योद्धा वर्ग, है ना। वैसे तो हम सब लोगों ने पढ़ा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास क्या था आपका, औजार वगैरह नहीं थे, है ना, और वहां लड़ाई या इस प्रकार की सेना वगैरह नहीं थी, लेकिन क्या फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, जहां से वहां एक जहां जिसके द्वारा वहां एक सीमित मात्रा में क्या है आपका योद्धा वर्ग, यानी जो लड़ाई वगैरह करने वाले लोग होते हैं उनके वर्ग का पता लगता है। अब देखते हैं ये कौन कौन से साक्ष्य हैं, ठीक है। उत्खनन में पहरेदारों के भवन है ना, किले मिले हैं, मतलब क्या होता है आपके पहरेदारों के भवन, यानी जो बैरक मिले हैं, ठीक है, जहां क्या होते थे आपके जो पहरेदार वगैरह रहते थे, पहरेदारों के भवन मिले हैं, प्राचीरों यानी जो दुर्ग होते थे, जो किले होते थे उनके अवशेष मिले हैं, और तलवारें प्राप्त हुई। तो ये तीन चार चीजें प्राप्त हुई है जिससे क्या पता लगता है कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां भी क्या था आपका सीमित वर्ग में क्या थे आपके योद्धा वर्ग मिलते थे, भले ही आपके क्या हो दूसरे देशों के साथ लड़ाई करने के लिए ना हो, चाहे आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन क्या है योद्धा वर्ग भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो सारी चीजें आपके पहरेदारों के भवन है ना, प्राचीर और तलवार, ये सब किससे संबंधित है आपकी, कहीं ना कहीं योद्धा वर्ग से ही संबंधित। तो इसलिए क्या निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ पर योद्धा वर्ग भी देखने को मिलता है। तीसरा वर्ग आता है वो कौन सा आपका, व्यवसायी वर्ग, है ना। व्यवसायी वर्ग तो आपको पता ही, जो आपके क्या है व्यवसाय में संलग्न होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे व्यवसायी वर्ग कहलाते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे व्यवसायी वर्ग में जो माना गया वो क्या होता है आपके, व्यापारी थे, और क्या था आपका खुदाई करने वाला, जबकि खुदाई करने वाला क्या होते हैं आपके श्रमजीवी वर्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता में है ये जो खुदाई करने वाले हैं ये कौन से वर्ग में रखे गए थे आपके, व्यवसायी
वर्ग में रखे गए थे, ना कि सर्वजीवी वर्ग में, है ना। अब क्यों रखे गए थे भाई? क्योंकि ये जो खुदाई करते थे ये क्या करते थे, उसके बदले पैसा लेते थे, तो इसीलिए किस में रखे गए थे? आपके व्यवसायी वर्ग में रखे गए थे। ठीक है, अगला कौन आता है आपका? जुलाहे, यानी जो कपड़े धुलने वाले, और स्वर्णकार। तो ये सारे के सारे लोग किस में आते थे? आपके व्यवसायी वर्ग में। ठीक है, अब अगला वर्ग आता है आपका श्रमजीवी वर्ग, है ना, जो क्या करते हैं आपका मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो खुदाई करने वाले हैं वो क्या आते थे? आपके श्रमजीवी वर्ग में ना आके व्यवसायी वर्ग में आते थे। वैसे तो हमें पता है जो खुदाई करने वाले होंगे वो श्रमजीवी वर्ग में आएंगे, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ रखे गए थे? आपकी व्यवसायी वर्ग में रखे गए थे। अब जो अगला आता है क्या आता है आपका? श्रमजीवी वर्ग। तो श्रमजीवी वर्ग में कौन कौन थे? आपके चर्मकार, अर्थात जो क्या करते हैं आपके चमड़े का काम करते हैं, है ना, कृषक थे और मछुआरे थे। ये तीन चार लोग किस में रखे गए थे? आपके श्रमजीवी वर्ग में। तो पहले तो हमने क्या देखा, जो यहाँ की सामाजिक दशा थी वो किस प्रकार की थी। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं भोजन, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार के भोजन करते थे। क्या वे केवल शाकाहारी खाना खाते थे, क्या वे केवल मांसाहारी खाना खाते थे, या दोनों खाते थे? ठीक है, तो देखते हैं। तो जो क्या थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ठीक है, तो किस प्रकार का भोजन करते थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकारों का वो भोजन करते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल शाकाहार पर निर्भर थे, केवल मांसाहार पर निर्भर थे, ठीक है, तो ये बात क्या आपकी गलत थी। वो क्या थे आपके? शाकाहार पर भी निर्भर थे और साथ ही साथ मांसाहार पर भी निर्भर थे। अब देखिए पता कैसे लगता है ना, अब आपको पता है हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं पाषाण काल, ना पाषाण काल मानव ने बहुत विकास कर लिया, है ना, वो आपका क्या है शिकार करने के साथ साथ अब कृषि भी करने लगा। तो कृषि तो क्या करेगा, वो शाकाहारी तो होगा ही होगा। अब कृषि में देखिए क्या क्या खाता था, है ना, गेहूं, चावल, जौ, फल, सब्जी, दूध, दही आदि। ठीक है, अभी हम कृषि भी पढ़ेंगे, जब हम व्यवसाय पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो हम क्या पढ़ेंगे? कृषि भी पढ़ेंगे और देखेंगे वहां के लोग क्या क्या चीजें उपजाते हैं। तो अभी आपको ये ध्यान रखना, और कहाँ कहाँ से किस किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए ये भी देखेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी थे, और शाकाहार में क्या क्या खाते थे आपके? गेहूं खाते थे, चावल खाते थे, जौ, फल, सब्जी, दूध इत्यादि खाते थे। अब जो हमें इनके मांसाहारी होने का प्रमाण मिलता है वो कैसे मिलता है, देखिए क्या है आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ सुअर, बकरी, बतख, घड़ियाल आदि की क्या मिली है? जली हुई हड्डियां मिली है। बड़ी मात्रा में क्या मिली है? जली हुई हड्डियां मिली है। किस 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 चीज की? सुअर की, बकरी की, बतख की, घड़ियाल की, क्या मिली है आपको? जली हुई हड्डियां मिली है। तो इन जली हुई हड्डियों से क्या अनुमान लगाया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अवश्य ही मांसाहारी भी थे। अब अगली चीज आती है जो क्या थे आपके, जो सिंधु घाटी सभ्यता में सिलबट्टे और मिठाई के सांचे भी देखने को मिलते हैं। ये चीज क्या है आपकी? इंपॉर्टेंट, याद है आपको रखना है। ठीक है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में सिलबट्टे मिलते हैं? हाँ। क्या मिठाई बनाने के सांचे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, तो क्या आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता में सिलबट्टे और मिठाई के सांचे भी मिलते हैं, जिसके द्वारा क्या अनुमान लगाया गया जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या थे आपके? बहुत ज्यादा भोजन प्रिय थे, क्योंकि यहाँ क्या आपके सिलबट्टे और मिठाई के सांचे भी देखने को मिलते हैं। और जो अगली और लास्ट चीज आती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हमें विभिन्न आकार के बर्तन मिले हैं, ऐसे बर्तन मिले हैं जिनसे क्या पता लगता है कि वे अलग अलग पेय पदार्थों को पीने के लिए इस्तेमाल होते थे। क्या कहा? विभिन्न प्रकार के बर्तन मिले हैं जो बताते हैं कि वे पेय पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो यहाँ के आपके अलग अलग प्रकार के गिलास हो गए, ठीक है, लोटे हो गए, पकड़ने वाले हो गए बर्तन, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के बर्तन मिले हैं। अब क्योंकि जो क्या होते हैं आपके जो पीने वाले बर्तन होते हैं उनका क्या होता है आपका डायमीटर कम होता है ना, और जो खाने वाले होते हैं उनका डायमीटर क्या होता है ज्यादा होता है। किस प्रकार से अंदाजा लगाया, जो क्यों क्या होते हैं हमारे जो पीने वाले बर्तन, तो किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? विभिन्न प्रकार के ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका क्या था आपका, जिनमें पेय पदार्थ भरा जा सकता है। और ये क्या थे आपके? अलग अलग पदार्थ, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकारों के बर्तन थे। तो जिसके अनुपात आधार पर यहाँ अनुमान लगाया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थों का भी प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो ये चीजें क्या रखनी है आपको? ध्यान रखनी है। अभी देखिए, अब जो हमारी सामाजिक दशा में अब दो चार चीजें बची हुई, जैसे क्या क्या बचे आपके? वस्त्र बचे हुए, है ना, आभूषण बचे हुए, क्या क्या बचे आपके? वस्त्र बचे हुए, आभूषण बचे हुए, और क्या बचे हुए आपके? मंदिर वगैरह बचे हुए, यानी जो क्या उनके धार्मिक विश्वास बचे हुए। तो ये सब चीजें किसमें आपकी? आपकी सामाजिक दशा में आएंगी। तो उनको अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या क्या कहा मैंने आपका? वस्त्र देखेंगे हम,
है ना। और क्या देखेंगे, उनका धार्मिक विश्वास देखेंगे, है ना। और क्या देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस प्रकार के आभूषण का प्रयोग करते थे। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी सामाजिक दशा में ही आएंगी। इन तीन चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक दशाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारा चैनल देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।